नहीं नहीं पता, इसके बारे में जानकारी बिहार की राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कार्तिकेय कुमार कल ही मंत्री पद का शपथ लिए हैं। कानून मंत्री का उन्होंने शपथ लिया है और उसके बाद कैबिनेट की विस्तार हुई। मंत्री पद के शपथ लेने के बाद जो है मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ और कैबिनेट में उन्हें कानून मंत्री का पद मिला है और उन पर आपराधिक मामले हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। मामला है 2014 में राजू सिंह के अपहरण से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर अब बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। आपको बता दें कि राजद के जो कई मंत्री हैं उन पर आपराधिक मामले हैं, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सीधे तौर पर कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मौका था बिहार विधान परिषद के 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का जो है उद्घाटन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं, कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, वो भी मौजूद थे। उसी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि कानून मंत्री पर 2014 में मामला दर्ज हुआ था अपहरण का और उन पर कोर्ट ने जो है वारंट जारी कर दिया है, आपको बता दें कि कल ही उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कल वो मंत्री पद का शपथ ले रहे थे, तब आज जो है कोर्ट ने जो है वारंट जारी कर दिया है। इसको लेकर बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर क्या कुछ कहा है, पहले वो आप सुने। उनके खिलाफ में वारंट है, आपके कार्यमंत्री जिनको बनाए हैं अरे सलाह खिलाफ में वारंट है, फिरौती के मामले में किडनैपिंग करने का फिरौती अकेला मैं किया गया था उस मामले में, उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं नहीं हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कोर्ट ने उनको जो है वारंट जारी किया है, ये जानकारी मुझे नहीं है और जैसे ही जानकारी होगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। यानी कह सकते हैं कि बिहार में कई जो राजद से कई मंत्री पद का जो शपथ लिए हैं उन पर आपराधिक मामले हैं, इनको लेकर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है कार्तिकेय कुमार को, क्योंकि वो हाल ही में जो है MLC का चुनाव जीते थे और जीत कर सीधा वो मंत्री पद का कल शपथ लिए हैं और मंत्री पद के शपथ लेने के बाद जो है कल उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है और कानून मंत्री ऐसे को बनाया है जिन पर आपराधिक मामले हैं और सीधे तौर पर इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहे देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी UPSC या JPSC परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है, तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayasindia.com पर विजिट करें।